दोस्तों, और कुछ दिन पहले मैंने यह केमिकल किट खरीदा था और उस पर एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा देखा गया मेरे चैनल पे। और उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने यह कमेंट किया कि ये सारे केमिकल्स जो हैं 20 टाइप के, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए और उसके बारे में कुछ हमें बताया जाए जो हम खुद कर सकें। तो और आप में से बहुत कोई ये बोले थे ये कहाँ से केमिकल किट खरीदे, तो वो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ फिर से। लेकिन उससे पहले देखिए कि इस केमिकल के मदद से हम कुछ एक्सपेरिमेंट या तो फिर कुछ प्रैक्टिकल करना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनमें से आज हम एक केमिकल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, यानी जिसे हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। देखिए, ब्लू विट्रियोल का एक्चुअली में बहुत सारा काम है, लेकिन कुछ अच्छा काम है, कुछ बुरा भी काम है। तो एट फर्स्ट हम जानते हैं इसका अच्छा क्या क्या काम है। देखिए, ब्लू विट्रियोल यानी कॉपर सल्फेट का काम बहुत जगह आता है, जैसे कि फंगस को मारने में इसका यूज किया जाता है, और बहुत सारे सेबाल को मारने में इसका यूज किया जाता है, बैक्टीरियाज को मारने में इसका यूज किया जाता है, यानी हॉस्पिटल या तो फिर कहीं भी जहाँ पे गंदगी हो वहाँ पे कॉपर सल्फेट का यूज किया जा सकता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। और तो और इसके मदद से जो स्विमिंग पूल आप देखते हो ना, वहाँ पे देखोगे कि आप कोई भी वहाँ पे आपको सेवाल नहीं दिखता है, उसका कारण होता है कॉपर सल्फेट। पानी में कॉपर सल्फेट मिलाने पे वहाँ के सारे सेवाल मर जाते हैं। तो चलिए, इसका एक नेगेटिव रोल के बारे में, हम बहुत ज़्यादा फेमस है उसी के बारे में हम देखेंगे। देखिए, कॉपर सल्फेट का यूज बहुत सारे लोग सब्जियां को ताजा दिखाने के लिए करते हैं। मतलब बहुत पहले अगर कोई सब्जी तोड़ा हो तो उस पे अगर कॉपर सल्फेट यूज किया जाए तो ये बहुत ज्यादा दिन तक फ्रेश दिखता है। एक्चुअली वो होता क्या है वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, कोई सब्जी में अगर हम कॉपर सल्फेट को यूज किए हैं या नहीं किए हैं उसका समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अच्छा से रंग आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको एक व्हाइट पोटैटो में कलर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कलर होता है। तो देखिए, उससे पहले हम थोड़ा पोटैटो को थोड़ा सा काट लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ स्पून से थोड़ा सा कॉपर सल्फेट उठा करके इसको कलर करने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसके ऊपर में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट दे दिए। ओके, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के आकार में रहता है और इसे क्रिस्टल भी बनाया जा सकता है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आप कॉपर सल्फेट मिलाया हुआ सब्जी खाते हो तो आपको वोमिटिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रहे तो, और बहुत ज़्यादा रहे तो भी यह पॉइजन का काम करता है। अब हम देखते हैं कि यह किस तरह से कलर करता है। थोड़ा सा इसमें हम पानी दे लेते हैं ताकि हमारा जो रिएक्शन है और थोड़ा जल्दी हो जाए। काफी है, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये भीगा हुआ नहीं है, अगर पहले से गला हुआ रहता तो फिर इतना लेट नहीं लगता। तो चलिए करके हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो फाइनली दोस्तों, अब हमारा आज का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो चुका है। कुछ देर पहले हमने देखे थे जब इस आलू को काटे थे तो देख सकते हैं उसका कलर किस तरह था, वाइटी, और उसमें जब हम कॉपर सल्फेट दिए और थोड़ा देर वेट किए तो देख सकते हैं उसका कलर किस तरह से चेंज हो चुका है। यह आलू का कलर अब आपको बहुत ज़्यादा हरा सा दिखेगा। देखिए, यह फ्रेश सब्जी को फ्रेश दिखाने के लिए यूज किया जाता है।
एक्चुअली आलू में इसको तो यूज नहीं किया जाता है, बट आपको समझ में आए इसीलिए मैंने इसे आलू पे करके दिखाया कि किस तरह से कलर होता है। अगर कोई वेजिटेबल, हरा वेजिटेबल भी इसका रंग चढ़ाएंगे तो जल्दी से पता नहीं चलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से मार्केट में हम लोग जो फ्रेश सब्जी खरीदते हैं उसमें कॉपर सल्फेट अगर हो तो क्या हो सकता है? देखिए, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट रहने पे बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन इसे आप इजीली रिमूव कर सकते हो पानी में धो के। तो चलिए हम वो भी करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं। देखिए, इस आलू को हमने जो काटे थे, इस साइड देखिए कैसा है, येलो कलर का दिख रहा है, पूरा सफ़ेद ही है। और यहाँ देख सकते हो आप किस तरह कलर है। अब देखिए साइड में भी किस तरह कलर हो गया। अब देखते हैं हम काट के कि अंदर किस तरह है। तो मैं देखते हैं इस तरह करके काट लेते हैं। देखिए उसका इनर पार्ट अभी भी आपको देखिए किस तरह दिख रहा है, सिर्फ हल्का हल्का इधर से थोड़ा थोड़ा कलर घुसा हुआ है। लेकिन आप अगर इस साइड से काटोगे ना तो आपको कुछ ज़्यादा ही कलर दिखेगा। देखिए इस तरह इतना काट के हटा दिए तो आप देख सकते हो कितना अंदर तक कलर घुस चुका है। तो बहुत ज़्यादा देने पे हानिकारक होता है। और आलू में देखे इसलिए दिखाएं क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा रंग अंदर तक घुस जाता है सब्जी का, सिर्फ ऊपर में नहीं रहता है। फ्रेश तो दिखाने के लिए ऊपर में, अगर आपको लगता है कि फ्रेश दिखता है मतलब ऊपर में ही कॉपर सल्फेट, तो फिर आप थोड़ा सा गलत हो, क्योंकि आप देख सकते हो कलर बहुत ज़्यादा सब्जी के अंदर तक घुस सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत अच्छे से धोएंगे तो यह फिर से सफ़ेद हो जाएगा। मतलब अगर हम कुछ देर इसको पानी में डुबो के रख देते हैं तो यहाँ से कॉपर सल्फेट निकल जाएगा। चलिए वो भी हम थोड़ा देर करके देख ही लेते हैं। तो दोस्तों, मार्केट से जो हम लोग सब्जी खरीदते हैं उसमें कॉपर सल्फेट रहेगा तो आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हो, इसलिए हम उसको पानी में कुछ देर, अगर बहुत ज़्यादा रहे तो उसे पानी में इस तरह भिगो कर छोड़ देंगे कुछ देर तक। ऐसे आप छोड़ दोगे ना तो ये फिर से इस कलर के हो जाएगा, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। लेकिन आप अच्छे से इसको धोओगे, ऊपर में रहेगा तो धोने से ही चला जाएगा, लेकिन इस तरह अंदर में अगर घुस जाता है तो आपको बहुत देर तक पानी में इस तरह करके भिगो कर छोड़ देने से वह आपको फिर क्लियर एंड क्लियर हो जाएगा। वैसे ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, बट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है थोड़ा सा। तो आप चलिए, आज का एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट इस तरह का एक्सपेरिमेंट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।